क्लास स्टूडेंट्स नमस्कार. टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 5 हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन. हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन एंड वी आर डूइंग नाउ डेफिनेशंस. ऑलरेडी यू आर डन द डिफाइन हेल्थ. इट इज़ अ क्वेश्चन कनेक्टेड टू क्वेश्चन डिफाइन हेल्थ. राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ विच वी हैव डन यस्टरडे. नाउ टुडे वी आर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग. द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हाँ, पहले तो हमने डिफाइन हेल्थ किया था, अब डेफिनेशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम्स इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट. अब अपनी अपनी डेफिनेशन सारे फिलोसोफर्स देते हैं, ठीक है. जो भी किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है वो अपनी डेफिनेशन देता है. इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट. ये हेल्थ की डेफिनेशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लिव मोस्ट एंड सर्व द बेस्ट. According to Webster's Encyclopedia, it is the state of individual to mobilize resources, intellectual, emotional and physical for optimum living. तो डेफिनेशन को कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए उसके मन में ये डेफिनेशन आई, ये सही डेफिनेशन की हेल्थ की, तो उन्होंने किसी ने दे दी यहाँ पर. इट इज़ द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, इमोशनल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम लिविंग. तो बिल्कुल अपनी लिविंग के लिए जो सही स्थान हो, सही जगह हो, तो उसको समझना, उसको पहुंचाना, ये इसका यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसा थोड़ा बहुत है. कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. अब हेल्थ की इम्पोर्टेंस को इट इज़ नोन टू एवरीबडी. एवरीबडी हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज दैट व्हाट हेल्थ मीन्स, हाउ इम्पोर्टेंट हेल्थ इज़ फॉर एवरीबडी. ये तो हर किसी को बंदे को पता है, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. हेल्थ एजुकेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ हेल्थ. सही बात है, हेल्थ एजुकेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ हेल्थ एंड इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसकी मीनिंग होती है. जैसे हेल्थ एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस आवर हैबिट्स. हेल्थ एजुकेशन हमारे पास सही होगी, इट विल इन्फ्लुएंस आवर हैबिट्स, एटीट्यूड एंड डेवलप इंटरेस्ट टूवर्ड्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी हेल्थ. और कुदरती बात है, तो अपना हेल्थ ठीक होगा या आपके पास हेल्थ एजुकेशन होगी, आप अपने आप को भी ठीक ढंग से देखोगे, अपने हेल्थ को, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन है, नॉलेज है हेल्थ के बारे में, अपने आप को भी देखोगे और जो जहाँ आप रहते हो कम्युनिटी में, वहाँ के हेल्थ के बारे में, वहाँ के लोगों के हेल्थ के बारे में भी आप ज़रूर सोचोगे, अच्छा ही सोचोगे, क्योंकि पास यू आर हैविंग हेल्थ एजुकेशन. आपके पास हेल्थ के बारे में जानकारी है, एजुकेशन है, नॉलेज है. हेल्थ एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड विद डेवलपिंग नॉलेज. हेल्थ एजुकेशन किस चीज़ से कनेक्टेड है या कंसर्न है? डेवलपिंग नॉलेज. एक तो नॉलेज बढ़ा देता है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर दैट प्रमोट्स हेल्दियर लिविंग. तो कुदरती बात है, किसी चीज़ की जानकारी, जैसे हमें फिज़िकल एजुकेशन की जानकारी है तो हम बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं. हम बोलते हैं फिज़िकल एजुकेशन अच्छी है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, क्यों अच्छी है, क्या क्या पोस्ट मिलते हैं, वो सारे तो हमने कवर किए अभी तक. तो इस तरह से किसी चीज़, किसी बंदे को किसी चीज़ खास चीज़ की जानकारी हो तो उसको वो प्रमोट करेगा, उसी के बारे में तो बोलेगा. तो अगर किसी को हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता है तो उसके बारे में बात करेगा ना. सिंपल सा बात है. डॉक्टर जो है, डॉक्टर तो हमको हेल्थ के बारे में ही बोलेगा. कभी हमारी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर कोई डिजीज़ हुई तो उसके लिए मेडिसिन दे देगा. हम खुद तो खा नहीं सकते तो वही प्रिस्क्राइब करेगा, तो तभी जाके खाएंगे, तभी जाके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ नॉलेज है उसके पास, ठीक है, मेडिकल नॉलेज है उसके पास. मेडिकल ऑफिसर होते हैं डॉक्टर्स, ठीक है ना, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है. हेल्थ एजुकेशन एनेबल्स द पीपल टू सॉल्व देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय देयर ओन एफर्ट्स. अब हेल्थ एजुकेशन किसी के पास है तो वो अपनी प्रॉब्लम जो होती है उसकी हेल्थ के बारे में, उसको सॉल्व करने की उसमें क्षमता खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि उसको नॉलेज हो जाता है हेल्थ के बारे में, बाई हिज ओन एफर्ट्स, ठीक है, खुद अपनी कोशिशों से. हाँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो तब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर हेल्थ के बारे में है तो ही कैन सॉल्व इट, रिजॉल्व इट इन ए नाइस वे एट हिज ओन प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एनी मेडिकल स्पेशलिस्ट. एंड हेल्प पीपल टू यूज़ प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज. और लोगों को भी हेल्प करता है कि हेल्थ प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज का यूज़ करे, यूटिलाइज करे प्रॉपरली, ठीक है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. अब इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन
पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो गंदगी तो ज़्यादा फैलेगी ही ना, तो इसका मतलब है फिर हेल्थ की इम्पोर्टेंस तो आ ही जाती है ज़्यादा। जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है किसी एरिया की, किसी गांव, किसी सिटी की, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इट्स स्फीयर। हेल्थ एजुकेशन का स्फीयर जो है, दायरा जो है, वो भी बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ क्यों, एयर पोल्यूशन। अब देखो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन। सिटीज़ में आप आओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन भी है, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन भी है, उसके बाद फिर पोअर सैनिटेशन भी है। सिटीज़ में तो सैनिटेशन भी ठीक नहीं होती है, ठीक है। गाँवों की बात तो अलग है, गाँव में दैट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ नॉट देयर, ह्यूज पॉपुलेशन इज़ नॉट देयर, डेंसली पॉपुलेटेड हाउसेज आर नॉट देयर। बट वेन एवर वी गो टू विलेज इन द सिटीज़, यू सी द डेंसली पॉपुलेटेड हाउसेज आर देयर, ठीक है। तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होती है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से, पॉपुलेशन लोग ज़्यादा होने से उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक बंदे को हेल्थ कॉन्शियस भी होना पड़ता है, ताकि वो अपने आप को किस तरह से सुखी रखे और बीमारियों से अपने आप को बचाए रखे। तो वो चीज़ किस चीज़ से आएगा, वो चीज़ हेल्थ एजुकेशन से ही आएगा। तो आई फील दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक। तो आपने आप क्या किया आज, डेफिनेशन एक दो के, तो डेफिनेशन एफ जी एफ विलियम्स का, डेफिनेशन ऐसे का ऐसा ही याद करना होता है। तो इसका कोई खास मतलब कोई तरीका नहीं है, ये तो ज़ुबानी याद करना पड़। फिर आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्यों होती है, ये उसका असल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सिंपल सिंपल से अगर बोले तो हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ एजुकेशन नेसेसरी है किसके लिए, सो दैट ए पर्सन रिमेन्स हेल्दी, सो दैट पीपल कैन डू सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू द अदर पीपल हु आर लिविंग अराउंड, ठीक है। जो आगे दाएँ पीछे कम्युनिटी में लोग रहते हैं, तो उनका भी तो सेहत का वो सेहत एजुकेशन दे सकता है, सेहत का उनका ख्याल भी रख सकता है, उनका बिहेवियर चेंज कर सकता है, ठीक है। अगर कोई गलत बात वो करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, गंदा पानी पीते हैं तो उनको बोलते हैं गंदा पानी ना पियो, ठीक है। तो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, बोल सकता है पोल्यूशन ना बढ़ाओ। एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं, धुआं बढ़ाते हैं, तो पत्ते जलाते बोलेगा ऐसे ना करो, इसका ये तरीका है, इसको ज़मीन के नीचे डाल दो तो धुआं नहीं आएगा। तो इस तरह से हेल्थ एजुकेशन जो है, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हुई ना, तो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, अभी कोविड है तो वैक्सीन करने के लिए बड़े सारे लोग नहीं जाते हैं, उनको बोलेगा नहीं वैक्सीन ज़रूरी है, इससे आपका ये कोविड का अटैक नहीं हो सकता, इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो आप बचे रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है तब आती है जब इंसान हेल्थ, इंसान को हेल्थ एजुकेशन हो। अगर नहीं हो तो वो ना तो अपने लिए उसको अपने लिए भी नुकसान है, और दूसरे को भी क्या बोल सकते हैं, नॉलेज नहीं है, ठीक है। आई फील दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट।